नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जिस ट्रेन की जानकारी देने वाले हैं वह ट्रेन हावड़ा दरभंगा एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की जानकारी देने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। दोस्तों, हावड़ा दरभंगा एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर 15235 है। यह ट्रेन साप्ताहिक है और केवल शनिवार के दिन हावड़ा जंक्शन से दरभंगा जंक्शन के बीच चलती है। हावड़ा जंक्शन से दरभंगा जंक्शन की दूरी 534 किलोमीटर है। इस दूरी को यह गाड़ी 11 घंटा 45 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा है। यह गाड़ी हावड़ा जंक्शन से चलकर आसनसोल जंक्शन झाझा बरौनी होते हुए दरभंगा जंक्शन को जाती है। इस गाड़ी के टिकट किराया जो कि हावड़ा जंक्शन से दरभंगा जंक्शन तक का है, सेकेंड एसी 1230 रुपया, थर्ड एसी 870 रुपया, स्लीपर क्लास 320 रुपया, सेकेंड सीटिंग 190 रुपया। इस गाड़ी का दूसरे स्टेशनों का टिकट किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, हावड़ा दरभंगा एक्सप्रेस अपने समय अनुसार से हावड़ा जंक्शन से दिन में 11:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 से छोड़ती है। हावड़ा स्टेशन का कोड है HWA। इसके बाद यह गाड़ी बर्धमान जंक्शन को दोपहर 12:15 पर पहुंचती है और 12:20 में वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 93 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। बर्धमान स्टेशन का कोड है BWN। इसके बाद यह गाड़ी दुर्गापुर स्टेशन को दोपहर 1:10 पे 3 प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 1:12 पे वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 का स्टॉपेज है। दुर्गापुर का स्टेशन कोड है DGR और यहां तक यह गाड़ी 156 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी आसनसोल जंक्शन को दोपहर 2:11 पे 4 प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 2:16 पे वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 199 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है और आसनसोल जंक्शन का स्टेशन कोड है ASN। इसके बाद यह गाड़ी चितरंजन स्टेशन को दोपहर 2:37 पर 3 प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 2:39 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 224 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है और चितरंजन स्टेशन का कोड है CRJ। इसके बाद यह गाड़ी मधुपुर जंक्शन को दोपहर 3:28 पर 2 प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 3:33 में वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 का स्टॉपेज है और यह गाड़ी 280 किलोमीटर कवर कर चुकी रहती है। मधुपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है MDP। इसके बाद यह गाड़ी जसीडी जंक्शन को दोपहर 3:58 पर 3 प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 4:03 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 309 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। जसीडी जंक्शन का स्टेशन कोड है JSME। इसके बाद यह गाड़ी झाझा स्टेशन को शाम को 5:20 पर 3 प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 5:25 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 का स्टॉपेज है और यहां तक यह गाड़ी 353 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। झांझा स्टेशन का कोड है JAJ। इसके बाद यह गाड़ी बरौनी जंक्शन को रात को 7:55 पर पहुंचती है और 8:05 में वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 10 का स्टॉपेज है और यहां तक यह गाड़ी 446 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। बरौनी जंक्शन का स्टेशन कोड है BJU। इसके बाद यह गाड़ी समस्तीपुर जंक्शन को रात को 9:40 पे 5 प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 9:45 पे वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 का स्टॉपेज है। अब तक यह गाड़ी 497 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। समस्तीपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है SPJ। इसके बाद यह गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन को 534 किलोमीटर कवर करते हुए दरभंगा जंक्शन को रात को 10:50 पर 3 प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। दरभंगा जंक्शन का स्टेशन कोड है DBG।
दोस्तों हावड़ा दरभंगा एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।